press the bell icon on the YouTube app and never miss. Hi everyone, तो एक बार फिर से मैं आप तमाम लोगों का सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो हम लोगों ने पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अब तक हमने दो वीडियोस देख लिए। पहले वीडियो में हमने पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर दूसरे वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में 6 और फीचर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम लोग सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? बुनियादी अधिकार है जो हर एक भारत के नागरिक को प्राप्त है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक तरह से बुनियादी अधिकार है। अगर सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनती है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है, या फिर कोई जनता में ही ऐसा कोई करता है आपके साथ, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, अपनी जो है शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये कर्तव्य है। जिस तरह से आपका अधिकार होता है, ठीक उसी तरह से आपका कुछ कर्तव्य भी होता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पहले कुछ बात जान लेते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात आपके लिए तो ये होगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल संविधान में थी ही नहीं। इट वॉज नॉट अवेलेबल इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा था ही नहीं। इसे बाद में ऐड किया गया 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट से, 42वें संशोधन से 1976 में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, इंदिरा गांधी के टाइम में। ये जो 42वां अमेंडमेंट है, इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी इसमें इतना ज़्यादा बदलाव किया गया तो इसको आधा संविधान भी कहा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे हमने बात कर ली थी पिछले बार कि पार्ट फोर में हमने देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में आएगी? पार्ट फोर ए में। जिस तरह हमने बात किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 तक था, तो 51 के बाद ये आर्टिकल 51A, सिर्फ 51A एक आर्टिकल है, उसी में ये पूरी की पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है टू कुल मिलाकर अभी के दौर में 11 है। हालांकि ओरिजिनली जब सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट में जब इसे जोड़ा गया था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज केवल 10 ही थे, एक बाद में जोड़ दिए गए। तो अब तक हमने क्या समझा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ओरिजिनल संविधान में थे ही नहीं। इसे जोड़ा कब गया? 42वें अमेंडमेंट 1976 से। पार्ट फोर ए में ये देखने को मिलेगा। आर्टिकल की बात की जाए तो 51A में, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में जब 42nd अमेंडमेंट में जब इसे जोड़ा गया था तो ये 10 ही थे, बाद में एक जोड़ा गया 2002 में। अब समझना ये ज़रूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं कुछ एक बता देता हूँ, फिर बाकी डिटेल से जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सारे ड्यूटीज़ को डिटेल से समझेंगे। जैसे इसमें है कि आपको संविधान का, नेशनल एंथम का, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना है, और हमारे जो नेशनल हेरिटेज है उसको संरक्षित करना, उसको बचाना है। आगे ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लिया गया था USSR से, यानी कि रशिया से। और फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था। अगला टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल मतलब होता है सबको, मेल और फीमेल सबको। एडल्ट मतलब जिनका एक एज हो चुका है एडल्ट वाला। सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। तो यूनिवर्सल मतलब मेल और फीमेल सबको, एडल्ट मतलब जो एक एज इनका हो चुका है एडल्ट का, सफरेज मतलब वोट। आपको जान के हैरानी होगी, अभी हम लोग वोट देने का एज क्या होता है, 18 इयर्स या 18 इयर्स से अबव, अब फिर वोट देने के एबल एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन ऐसा शुरू में नहीं था, शुरू में था 21, यानी अगर आप 21 साल के हैं तभी आप वोट डाल सकते थे। तो ये जो 3 साल घटा के आज के दौर में जो 18 नज़र आ रहा है, ये कब हुआ था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लोगों की वोट देने की आयु सीमा घटाकर 18 कब किया गया, जबकि पहले कितना थी? 21। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 21 साल है, बाद में 18 किया गया। ये किया गया था 61st अमेंडमेंट।
कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। तो 61st अमेंडमेंट 1989 में, अब आप समझ सकते हैं 1989 में किसका राज होगा। जी हाँ, राजीव गांधी का। तो 61st अमेंडमेंट 1989 में ये किया गया कि लोगों की वोट की आयु सीमा घटाकर 21 से 18 कर दिया गया। अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब जो न्यायपालिका है ये बिल्कुल निष्पक्ष होगी, स्वतंत्र होगी, ये किसी के कब्जे में नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा अगर होता कि MLA, MP या फिर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के कब्जे में ये होती तो अगर इनका केस यहाँ जाता तो ये लोग कभी भी इंडिपेंडेंट तरीके से फैसला नहीं ले पाते। और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है US से। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे नहीं, 42वें अमेंडमेंट 1976 से इसे शामिल किया गया। और आर्टिकल की बात की जाए 51A पार्ट 4A, ये जो अमेंडमेंट से शामिल हुआ था उनमें उसमें कुल मिलाकर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बाद में एक और को ऐड किया गया। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे आप। फंडामेंटल ड्यूटीज को जो बनाया गया, इसका रिकमेंडेशन जो था वो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दिया गया था। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब, यूनिवर्सल मतलब मेल और फीमेल सबको, एडल्ट मतलब अगर आपका एक पर्टिकुलर एज वयस्क आप हो चुके हैं, सफरेज मतलब होता है राइट टू वोट। तो शुरुआती दौर में 21 साल में आप बुढ़े माने जाते थे, वोट देने का अधिकार आपको दिया जाता था, और बाद में 3 साल घटा के 18 साल में ये माना गया कि यू आर एबल टू गिव योर वोट, मतलब अब आप वोट देने का आपके पास अधिकार है, अब आप अपनी लुटिया खुद से डुबोने का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। तो ये 61st अमेंडमेंट 1989 में ये चीज़ शामिल की गई थी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव, इनका कोई कंट्रोल हमारे न्यायपालिका पे नहीं होता है। ये सब कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ US से लिया गया। फिर हम लोग जुडिशरी का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से समझेंगे। डेमोक्रेसी जनरली दो फॉर्म का होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपसे हम पूछें कि US के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो आपको मालूम नहीं होगा। अगर हमने आपसे पूछा कि UK के प्रेसिडेंट कौन है तो आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि US में प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट है। हाँ, US के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब। तो US में जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ प्रेसिडेंट ही इम्पॉर्टेंट होता है, जबकि UK में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है वहाँ इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रधानमंत्री, PM। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ UK से ही लिया गया है, वी हैव ड्राइव दिस फ्रॉम UK। तो UK में जिस तरह से लोअर हाउस अपर हाउस होते थे, जिसको हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते थे, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा जैसी चीज़ें हैं, और इन्हें भी हम लोग अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। लोकसभा को अपर हाउस कहते हैं या राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं कि अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को लोअर हाउस कहते हैं या अपर हाउस कहते हैं, ताकि मुझे भी समझ में आए कि यू आर बीइंग इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द टॉपिक बीइंग डिलीवर्ड। फिर हम लोग बात करेंगे फेडरलिज्म की बात। यानी हमारा जो संविधान है वो संघात्मक स्ट्रक्चर को मानता है। फेडरलिज्म का मतलब हुआ जहाँ सेंटर के पास भी कुछ पावर है, स्टेट के पास भी कुछ पावर है, यानी पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेंटर और स्टेट वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जैसे सेंटर के पास कुछ पावर है, साथ साथ स्टेट के पास भी यहाँ भारत में कुछ पावर है, तो ये जो सिस्टम कहलाता है ये फेडरलिज्म कहलाता है। जहाँ सिर्फ सेंटर के पास ही सारा कुछ पावर है, सब कुछ सेंटर ही कर सकता है, वहाँ पे हम लोग उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो सेंटर स्टेट समझ गए आप। इंडिया में तो और नीचे भी चले गए, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया, यानी कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह भी है, जो कि बाद में जोड़ा गया था, पहले शुरू में ये नहीं था। फिर हमने बात करना है सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म शब्द जिसका मतलब हुआ धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। तो सेक्युलरिज्म शब्द का मतलब क्या हुआ, इंडिया में इसका मतलब क्या होता है? इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब कि सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, यानी कि देश का कोई धर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल धर्म यहाँ का नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है, और सरकारें जो भी बनेगी उनको हर धर्म के लोगों को, हर धर्म को बराबरी से ट्रीट करना है, बराबरी से ट्रीट करना है, ये कहलाता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, कोई इंसान के साथ गलत सिर्फ धर्म के बुनियाद पे नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है।
तो सेक्युलरिज्म में भी एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ड है सेक्युलर, जो हमारे प्रियम्बल में आपको देखने को मिलेगा। प्रियम्बल बोले तो प्रस्तावना, यानी कि फ्रंट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि संविधान के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसका निचोड़ रख दिया गया है। तो जो सेक्युलर शब्द है ये भी 42nd अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया है, और 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में। आई होप कि ये बहुत ही आसानी से आपको ये भी समझ में सारा चीज़ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप देख रहे वीडियो इसी टाइम पे आपको सारी बातें याद हो जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं, 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, और शुरू में केवल 10 थी, बाद में एक बढ़ा दी गई। पार्ट 4A में ये मिलेगा आपको, आर्टिकल 51A में ये मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी सारे लोगों को वोट देने का अधिकार, जो एडल्ट है मेल हो या फीमेल हो। 21 साल था पहले, बाद में घटा के 18 किया गया, और ये कब किया गया, 1989 61st अमेंडमेंट में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिया में है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो नियुक्ति होती है वो फिर MP MLA वगैरह लोग नहीं करते हैं। तो ये US से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तो दो तरह की होती है, एक प्रेसिडेंशियल एक पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल जहाँ प्रेसिडेंट इम्पॉर्टेंट होता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म जहाँ PM होते हैं, जहाँ लोकसभा राज्यसभा संसद सदन वगैरह चलती है। तो भारत में ये कॉन्सेप्ट UK से लिया गया। फेडरलिज्म मतलब जहाँ सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का बंटवारा होता है, सेंटर स्टेट के अलावा अगर लोकल गवर्नमेंट के बीच में भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया में सेंटर स्टेट और लोकल के बीच में भी हुआ। कारण इसके पीछे ये है कि कुछ ऐसे स्टेट हमारे हैं जो कई कंट्रीज पे भारी पड़ जाएंगे। यूपी की बात की जाए, यूपी की आबादी है 20 करोड़, और रशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है एरिया के हिसाब से, तो उसकी आबादी मात्र 14 करोड़। सोचिए, तो यूपी अकेले रशिया पे भारी पड़ जा रहा है। तो सेक्युलरिज्म इसलिए उसको लोकल भाग में बांट दिया गया, आसानी से कैसे रूल करेंगे, स्टेट तो पहले से यूपी है, अब उसको स्टेट कैसे बांटे, तो इसलिए उसको लोकल में बांट दिया गया। फिर हम लोग बात करते हैं सेक्युलरिज्म शब्द का, इसका मतलब तो धर्मनिरपेक्षता, यानी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, और कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा किया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और सिंपल सिंपल सी बात थी सारी। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात कहाँ से ली गई, कौन से देश से ली गई। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत आसानी से इसमें सारी बातें